मंदी प्रशासन प्रशासन ठेकेदार को मंडी प्रशासन हमारी मांगे देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज बीकानेर जिले के नौखा तहसील की बात करें, कृषि मंडी जो विश्व प्रसिद्ध कृषि मंडी है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा किसान लोग व्यापारी लोग सभी धरने पर बैठे हैं और धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, बहुत भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, कुछ संदिग्ध देखा जा रहा है कि यहाँ पर चोरियाँ हो रही है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा और कह रहे हैं इसमें मिली भगत बताई जा रही है। किसकी मिली भगत है ये भी हम जानेंगे और इनका आक्रोश क्या है और इनकी मांगे क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से निवेदन करूँ, एक बार मेरे साथ आ जाए थोड़ा सा। सर क्या कारण आप धरने पे बैठे हो, क्या आक्रोश है आपका? हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही है, उस चोरियों को रोकने के लिए सबसे बड़ा कारण। नहीं, किस प्रकार चोरियाँ हो रही है, क्या चीज़ की चोरियाँ हो रही है? रात को माल जो भी माल रहता है किसान का, इसबगुल है, जीरा है, मोठ है, रायडा है, रात को चोरी होता है और रात को यहाँ चौकीदार भी रहते हैं। रात को चौकीदार होते हुए भी चोरियाँ हो रही है, क्या कहना है इसके बारे में? चौकीदार होते हुए भी चोरियाँ हो रही है? चौकीदार होने वो है फिर भी चोरियां हो रही है। इसका कारण चौकीदार चोर है, वो ठेकेदार है, 5 सालों से ठेका ले रखा है, प्रशासन को बोल दिया उसको हटा नहीं रहे हैं, इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। उस ठेकेदार को यहाँ से ठेका हटाने के विरोध में बैठे हैं। ठेकेदार कौन है अभी? वो रामलाल नाम का एटलस कंपनी के नाम से है, नागौर के हैं, 5 साल से इधर ही है, उनका ठेका हट नहीं रहा है। ये बोल रहे हैं एसडीएम साहब, बोल रहे हैं कि इसका निरस्त नहीं कर सकते, क्या कारण है उसका पूछने के लिए बैठे हैं इधर। भाई उसका ठेका क्यों नहीं निरस्त हो सकता? ठेकेदार स्थायी हो गया ये कहना चाहते हो? हाँ, या इधर ठेकेदार स्थायी हो गया है। अच्छा, इसके विरुद्ध में बैठे हैं। अभी तक अगर चोरियों की बात करें तो कितने की लग सब चोरियाँ हो चुकी है, किसान भाई की चोरियाँ हुई है, जो मजदूर लोग होते हैं और देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है किसान को, उनकी अगर चोरी होगी तो देश की चोरी हो रही है। यहाँ से लमसम हो गई 10-15 लाख रुपये की चोरी हो गई। 10-15 लाख रुपये की चोरी हो चुके सामान की। अच्छा सर, क्या कारण आप सभी किसान लोग भाई लोग व्यापारी लोग मिलके धरने पे बैठे हो, क्या आक्रोश है, क्या आपका प्रतिशोध है, क्या कहना चाहोगे प्रशासन को, क्या कहना चाहोगे सरकार को? प्रशासन को हमने बार बार बोल दिया है, कृषि मंडी प्रशासन है जो उनके साथ मिला हुआ है और चौकीदारों की कोई मतलब हमारी मंडी वालों की कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, और ठेकेदार है जो पावरफुल आदमी है ना, तो मंडी और जब तक ये मंडी का सुधार नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन बंद रहेगी मंडी। ये चोरियाँ कब से स्टार्ट हुई है? ये लगभग जब से ये ठेकेदार ने ठेका किया 2-3 साल तक तो ठीक काम किया, 2-3 सालों से अभी जोरदार चोरियाँ हो रही है, एक भी चोर पकड़ा नहीं गया है और सारे कैमरे इसने खराब किए हैं। जो ठेकेदार का आदमी है गोपाल नाम का, इसने कैमरा खराब किया, सारे कैमरे खराब किए हैं, गेट की चाबियाँ इसके पास में रहती है और मंडी प्रशासन कोई तरह की हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऑफिस की चाबी सारा ये मतलब मेन बना हुआ है ये मंडी का। अच्छा, ये मेन बना हुआ है और इसको कुछ भी कह नहीं सकता कोई भी? कोई कुछ नहीं कह सकता, ये पावरफुल आदमियों का ऊपर से आते, कल भी मंडी के कई सेक्रेटरी यहाँ आए थे उसकी पैरवाई करने के लिए, 3-4 सेक्रेटरी आए थे। सेक्रेटरी साहब जो यहाँ अभी पहले ज्वाइनिंग की है वो सेक्रेटरी साहब की, उनको भी बोला था, उन्होंने बोला ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और आज रात बात करी उनसे तो वो बोल रहे हैं इनको केवल इनके आदमियों को चेंज कर सकते हैं, हम इनको हटा नहीं सकते हैं। एडीएम साहब से बात करी, उन्होंने यही बात बोली है। अच्छा, लेकिन आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ये ठेकेदार यहाँ से पूर्ण रूप से यहाँ से हटाया जाए, कोई तरह ठेकेदार नहीं, अगर ठेकेदार नहीं हटाया जाता, प्रशासन नहीं हटाती तो आपकी सद तक जाओगे? नहीं हटाया जाएगा तब तक ये मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया किसान लोगों ने, अगर ठेकेदार नहीं हटाया जाता या कोई संतुष्ट रूप जवाब नहीं आता तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और जैसे कि बता देता हूँ, देश की सबसे बड़ी मंडी जाता है मोठ मंडी के नाम से फेमस भी है नौखा मंडी, और ये जैसे आप देख पा रहे हो किसान भाई सभी यहाँ पर खड़े भी हैं और धरने पर, गेट मेन गेट है जो बंद है, बाहर का जो मैं गाड़ियों का हालात दिखाऊंगा। हालांकि मौके पर नौखा पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, काबू रख रहे हैं और साथ ही साथ ये एक नोट किया हूँ, किसान भाई ग्रामीण होते हुए भी सोशल डिस्टेंस जो कानून है लॉकडाउन के वो पूरा पालना की जा रही है भारत की तरफ। दोस्तों जैसे कि किसानों की मांग आपको दिखाई थी मैंने क्या प्रकार है, आपका क्या कहना है, किसानों की जो मांग है वो सच है या झूठ है, क्या मांग पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपने विचार जो बताइए। प्रशासन जैसे महोदय अभी यहाँ जस्ट पहुँचने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे जो किसानों की मांग है वो पूरी की जाए। और साथ ही साथ एक बात कहूँगा मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाड़ियों का जो यहाँ पर ये हाईवे रोड है
नोखा के अभी प्रेजेंट में ये हाईवे रोड ही है जैसे आप देख पा रहे हो, और पूरी की पूरी गाड़ियां जाम हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन, यहाँ पीछे दिखाना, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है, पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, व्यवस्था बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था बनाने की, लेकिन गेट के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। जैसे कि आप देख पा रहे हो गेट के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती किसानों की, जब तक कह रहे हैं हमारी मांग नहीं पूरी होगी अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे, ये बात बता रहे हैं। जैसे उस तरफ दिखाना गाड़ियों की, जैसे आप देख रहे हो किसान जो व्यापारी लोग हैं, जो किसान लोग हैं व्यापारियों के पास जो अनाज है वो बेचना है, लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए वो बाहर रुके हुए हैं। और इस तरफ दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जैसे आप दिखा रहा हूँ तो कम से कम खड़ी हो सकती है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।